हेलो फ्रेंड, दिस इज आशुतोष शुक्ला फ्रॉम प्रति नोट्स। आपके चैनल पर, आपके अपने चैनल प्रति नोट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे, जो युवा UPSC ने आज युवा विकास दल अधिकारी का रिजल्ट आउट कर दिया है, तो कृपया जाके आप इसे चेक कर लें वेबसाइट पे जाके। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हो पाया है वो अगले एग्जाम के लिए लग जाएं। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ इसकी काफ़ी, मतलब कि 1.2 निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 143 शायद जनरल में जो सेलेक्ट है मेरे जानने वाले, तो 143 जनरल में गया है, 142 के करीब OBC का है, 141, 142, तो 140 से नीचे तो नहीं गया, मतलब 140 से प्लस ही गया, मतलब 71-72% जो लड़कों ने निगेटिव मार्किंग के बाद सॉल्व किया उन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। तो 3 लाख लड़के अप्लाई किए थे, तो लगभग 2,10,000 या कुछ वैसे ही जो है अपियर हुए थे एग्जाम में, फिर भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला गया 1.2 होने के कारण भी। तो इससे ये पता चलता है कि जो अर्ली गवर्नमेंट थी उसमें भी कोई धांधली नहीं होती थी, और इस वाले गवर्नमेंट में भी कोई धांधली नहीं हो रही है, क्योंकि तभी जो था वो 83-84% जाता था, तो वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और टाइम काफ़ी मिलता था। 2.5 घंटे का पेपर होता था और क्वेश्चन भी कम होते थे, 175 होते थे, तो जो है बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे। और जो रश है, क्योंकि इधर 1.5 साल में वैकेंसी नहीं आई है, तो रश जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, इस कारण जो है कंपटीशन काफ़ी हाई हो गई है। तो हमेशा आप पॉजिटिव सोचेंगे, और मतलब आपसे मेरी विनम्र निवेदन है कि पॉजिटिव सोचेंगे और एग्जाम में लगे रहेंगे, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। और ये थोड़ा सा ये आपको समझ के चलना पड़ेगा कि आप, जैसे मान लीजिए 370 वैकेंसी मान लीजिए जनरल की है, या अच्छा 600 है, तो आपको ये समझ के चलना है कि आपके लिए सिर्फ 180 वैकेंसी है, तभी आपका निकलने वाला है, मतलब आप पूरा मत समझ के चलिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए जिन लोगों का नहीं हुआ है, वो भी अभी दूर की कौड़ी नहीं कि वो नौकरी पा जाए, क्योंकि अभी नौकरी वो पा सकते हैं, उनके लिए ये चांसेस है, क्योंकि जितने लड़कों के लिए सीट थी उतने ही लड़कों के लिए कॉल किया गया है। तो फिजिकल इतना टफ है कि उसमें से ओनली 20% लड़के ही क्वालिफाई कर पाएंगे फिजिकल, 80% जो है वो छट जाने वाले हैं। लेकिन अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि 20% ही निकले, 80% हो जाए, क्योंकि अगर फेयर वे तरीके से होगा तो उसकी भी रिकॉर्डिंग करानी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि नहीं वहाँ पे जो फिजिकल हो रहा है वो फेयर वे से हो रहा है, क्योंकि जैसे पुलिस वगैरह में देखने को मिला है कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो अब देखिए वहाँ पे क्या हो सकता है कि इसलिए जिन लड़कों का 135 तक है जिन कैंडिडेट का, वो फिजिकल की तैयारी जारी रखें, क्योंकि और 130 तक वाले भी जारी रखें, क्योंकि उतना मुझे नहीं लगता कि फिजिकल वो क्लियर कर पाएंगे लड़के। तो कुछ लोग बड़े हताश हैं, बड़े नाराज मुझे दिखे, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और पॉजिटिव रहिए, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, आपका होगा, और जिनका हो चुका है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।